हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी विद प्रीत, जहाँ मैं आपसे शेयर करती हूँ हॉल वीडियोस और स्टाइलिंग वीडियोस। तो आज की वीडियो जो है एक मीशो हॉल वीडियो है, जिसमें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एवरीडे एंड रेगुलर वियर कुर्ता सेट्स। ये सारे ही प्रोडक्ट्स जो है ना, मैंने इस बार ऐसे चूज़ किए हैं जिनको आप डेली वियर में पहन सकते हैं, अपने घर पर पहन सकते हैं, आसपास कहीं जाना है आपको वहाँ पर पहन सकते हैं, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं वहाँ पे भी पहन सकते हैं। मतलब सिंपल इजी ब्रीजी कुर्ता सेट्स हैं, गर्मियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। मेन बात यह है कि मैंने कॉटन मटेरियल के अंदर इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किया है, सबकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब मैं जो है बहुत इम्प्रेस हूँ इन सबकी क्वालिटी के साथ, मुझे क्वालिटी बहुत पसंद आई है, तो इसीलिए मैं भी आपसे सब शेयर कर रही हूँ। इन सबके लिंक्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं जो साइज़ यहाँ पे इनमें सब में ऑर्डर किया है ना, मैंने एम साइज़ ऑर्डर किया है, जो कि 38 साइज़ है। मेरा एम साइज़ मेरे को आराम से आ जाता है, मेरी हाइट है 5'3", तो अगर आपकी भी हाइट मेरे बराबर है, मेरे जैसा साइज़ है, तो आप इन कुर्ताज़ को सेम साइज़ के अंदर ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अगर मेरे से हेल्दी हैं, मेरे से पतले हैं, तो अकॉर्डिंगली आप साइज़ जो है चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dressup.preet। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो फर्स्ट पीस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वो मैंने ना वाइट बेस के अंदर लिया है। मेनली जितने भी कुर्ता सेट्स आपको आज दिख जाएंगे ना, इनमें मोस्टली जो है ना सब वाइट बेस के अंदर है, वाइट बेस के ऊपर प्रिंट्स बने हुए हैं। गर्मियों में मुझे बहुत पसंद है वाइट बेस के कपड़े, और वाइट बेस के कपड़े पहने हुए ना अच्छे भी लगते हैं, बहुत डिसेंट एंड एलिगेंट लगते हैं, बहुत क्लासी लुक भी देते हैं आपको। तो इसीलिए मैंने इस बार वही ऑर्डर करे हैं सारे। फर्स्ट कुर्ती का जो डिज़ाइन है उसमें ऐसे वी नेक बना हुआ है, आगे वी नेक डिज़ाइन है, आगे पैच दे रखा है, 3/4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे भी इस तरीके से जो है पट्टी दे रखी है। इसके अलावा जो है आगे जो है ऐसे गैदरिंग है, एम्पायर लाइन ये कुर्ता है, पीछे भी गैदरिंग है, आगे भी गैदरिंग है। बेस्ट पार्ट इज़ इसके ना आगे जो है इस तरीके से कट का डिज़ाइन दे रखा है, आप ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है। ए लाइन कुर्ती है, फ्लेयर बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन डिसेंट फ्लेयर है, अच्छा लगेगा पहना हुआ। आप इसको हील्स के साथ भी पहन सकते हैं, फ्लैट्स के साथ भी पहन सकते हैं, दोनों में ही बहुत एलिगेंट लगेगा। साथ में आप इसकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन लो, अच्छे से स्टाइल हो जाएगा। तो आप इसको ऑफिस में पहन के जाओ, आसपास कहीं जाना है वहाँ पहन के जाओ, घर पे पहनना चाहते हैं आप कुर्ती, कॉटन मटेरियल की है तो आप घर पे पहन सकते हैं। फैब्रिक इसका 100% कॉटन है, मिक्स कॉटन नहीं है। मुझे बहुत पसंद आई है, मुझे इसमें सबसे अच्छा लगा है कि इसका ये जो कट है ना, ये कट बहुत सही है इसके अंदर ना, नाइस कट। तो ये थी इसकी कुर्ती। जो इसका बॉटम है ना, वो स्ट्रेट फिट प्लाजोज़ हैं, पैंट्स नहीं है, प्लाजो के अंदर है, फुली इलास्टिकेटेड है, फुल पे ना पूरा ऐसे इस तरीके का जो है प्रिंट बना हुआ है, और इसकी विड्थ जो है ना नीचे से इतनी विड्थ है, ठीक है। कॉटन मटेरियल के अंदर ही है बॉटम, आई लव इट, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन बस इसमें ये है कि जो वेबसाइट पे जो दिखा रखा था ना, उससे स्लाइटली डिफरेंट है ये, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी, फैब्रिक मुझे अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसको एक्सचेंज कराने वाली, रिटर्न कराने वाली नहीं हूँ, मैं इसको रखूँगी अपने पास, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट सूट सेट जो है वो थोड़ा यूनिक सा है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है उस तरीके का सूट सेट जो है ना, सूट सेट कह लो, कुर्ता सेट कह लो, या फिर आप इसको कॉर्ड सेट भी बोल सकते हो। वो मैंने लिया है ये काफ्तान स्टाइल कुर्ता, पूरा काफ्तान है इसका, मॉक नेक बना हुआ है, आगे इसके वी का डिज़ाइन दे रखा है, पूरे पे ऐसे लाइंस और डॉट्स डॉट्स बने हुए हैं। आगे जो है ना इसके बांधने के लिए आगे की साइड पर दे रखी है ये पट, ये क्या बोलते हैं इसको, डोरी जो है आगे की साइड बांधने को दे रखी है, पीछे की साइड भी है। आप ट्रायल में देखो कितना सही लग रहा है पहना हुआ। ये इसका कुर्ता है, इसका जो मटेरियल है ना, ये रेयन मटेरियल है, लेकिन ये रेयन मटेरियल इतना सॉफ्ट है ना कि बिल्कुल चुभ भी नहीं रहा स्किन के ऊपर, हार्श बिल्कुल नहीं है, मुझे इतना सॉफ्ट लग रहा है ना, बिल्कुल मक्खन जैसा रेयन फैब्रिक है ये, बहुत प्यारा है। इसमें मैंने साइज़ एल लिया है क्योंकि काफ्तान जो है ना खुले खुले अच्छे लगते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी आप खुला, ओवर खुले में चाहते हैं तो आप एक साइज़ अप कर सकते हैं,
मेरे को आप देख लो इसका फिट कैसा आया है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा भाई, ये यूनिक सा है। बॉटम जो है ना इसका फुली इलास्टिकेटेड पैंट स्टाइल में अंदर है, इतनी इसकी मूरी है, पूरी प्लेन है, पैंट स्टाइल में आया है इसका। इसका फैब्रिक भी रेयॉन है, ट्राई ऑन में देख लो कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, आप ले सकते हैं आप लेना चाहते हैं तो। नेक्स्ट सूट सेट जो है, नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है, वो भी 100% कॉटन मटेरियल के अंदर आया है। वेबसाइट पे भी ये कॉटन ही था इसका, और ये एक्चुअल में भी कॉटन मटेरियल के अंदर ही है। इस तरीके का वाइट बेस के अंदर है, ऊपर इसके पिंक कलर के डार्क ब्राइट हॉट पिंक होता है ना उस कलर के जो इस पे फ्लावर्स बने हुए हैं। ब्लॉक प्रिंट डिज़ाइन है इसका, स्लीव्स पे हाफ स्लीव्स है, स्लीव्स पे ऐसे चिकनकारी कॉटन की जो लेस होती है चिकनकारी वाली वो दे रखी है। नेक पे राउंड नेक है, वी है, आगे ऐसे डिज़ाइन दे रखा है। और इसके अलावा पूरा सूट सेट जो है सेम प्रिंट के अंदर है, लेकिन इसके चाकों पे आगे भी पीछे भी और घेरे पे भी जो है ना इसके इस तरीके से कॉटन की लेस दे रखी है। फिनिशिंग बहुत अच्छी है कुर्ती की, मुझे बहुत ही सुंदर लगी इसकी फिनिशिंग। फैब्रिक जो है इसका कॉटन मटेरियल है, पतला सी थ्रू तो नहीं है लेकिन थोड़ा पतले के अंदर है, गर्मियों में अच्छा लगता है, पसीने नहीं आते पहना हुआ। तो यस ये इसकी कुर्ती है। जो इसका बॉटम है, बॉटम भी इसका अच्छा है, बॉटम जो है इसका 100% कॉटन मटेरियल के अंदर है, फुली इलास्टिकेटेड पैंट स्टाइल के अंदर है। बॉटम पे इसके ऐसे लेस दे रखी है, लेस की डिटेल है। सिंस वाइट कलर का है और कॉटन मटेरियल के अंदर है तो हल्का सा सी थ्रू है, लेकिन आपकी स्किन नहीं दिखेगी इस वाइट के नीचे, स्किन कलर वैसे भी नज़र नहीं आता है, स्किन नहीं विजिबल होगी अगर, ठीक है। और कपड़ा आप देख लो इसका ना इस तरीके का है, मतलब सी थ्रू है लेकिन कुर्ती लंबी है तो इतना पता नहीं चलेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग जो है ना ज़्यादा महंगी नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी है। कपड़ा कॉटन का है, गर्मियों के हिसाब से आप देख लेना, अगर आप इतना सी थ्रू मैनेज कर सकते हैं तो बिल्कुल ले लेना, क्योंकि अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है, स्टफ अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है ना, वो जैसा मैंने फर्स्ट शेयर किया था ना कुछ उसी वाले पैटर्न में है, लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इस तरीके का ये है, राउंड नेक है, साइड पे इस तरह ऐसे इसकी पाइपिंग दे रखी है, 3-4 स्लीव्स है, स्लीव्स पे इस तरीके का डिज़ाइन है, अगेन एम्पायर लाइन में है, पीछे ऐसे गैदरिंग दे रखी है, ए लाइन का कुर्ता है। इसके अंदर भी जो है ना आगे की साइड पे ऐसे कट दे रखा है और साइड पे ऐसे बटन्स की डिटेल दे रखी है, ठीक है, कट दे रखा है, बटन की डिटेल दे रखी है। फैब्रिक इसका जो है कॉटन प्लस रियॉन मटेरियल है, अगेन सॉफ्ट है, गर्मियों के अकॉर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। पूरे पे इस तरीके का ऊपर जो है ना बड़े बड़े फूल बने हुए हैं, जो इसकी योक है ये ऊपर वाला, इस पे जो है बड़े बड़े फूल बने हैं, अदरवाइज पूरे पे लंबी लंबी छोटे छोटे फूल बने हैं। और इसके अलावा जो है इसके घेरे पे भी जो है इस तरीके की जो है पट्टी लगी हुई है, अच्छा है ओवरऑल पहना हुआ, आप देख लो ट्राई ऑन में कैसा लग रहा है। बॉटम जो है इसका प्लेन प्लाजो आया है, अगेन वाइट है तो थोड़ा सी थ्रू है, सेम जो कुर्ती का फैब्रिक है ना वही फैब्रिक है, इस तरीके का है, ये पैंट स्टाइल में है, प्लाजो नहीं है, पैंट है, इतनी इसकी मूरी है, फुली इलास्टिकेटेड है, एम साइज में है और इसके अंदर पॉकेट नहीं है, सिंपल सा बॉटम है। इस तरीके का बॉटम आप औरों के साथ और कुर्तीज़ के साथ भी पहन सकते हैं, अच्छा लगेगा पहना हुआ। नेक्स्ट कुर्ता सेट जो है वो है ये वाला रस्ट कलर के अंदर सूट सेट मैंने लिया है, देखते हैं किस तरीके का है ये। सूट सेट जो है ना ए लाइन के अंदर है, ऐसे ना फ्रॉक स्टाइल के अंदर है ये पूरा, इसका घेरा बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा इसका घेरा है, ये इसका घेरा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा। फैब्रिक इसका 100% कॉटन मटेरियल है, बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है इसका। राउंड नेक नहीं, स्वीट हार्ट नेक है, आगे ऐसे गोटा पट्टी की डिटेल दे रखी है, 3-4 स्लीव्स है, गोटा पट्टी की डिटेल है स्लीव्स पे भी। उसके अलावा इसके, यस इसके घेरे पे भी गोटा पट्टी की डिटेल दे रखी है,
100% कॉटन मटेरियल है, मुझे इतना सुंदर लगा है ना इसका फैब्रिक, सबसे बेस्ट फैब्रिक मुझे इसका ही लगा है पूरे हॉल के अंदर। बहुत सुंदर कुर्ती है, एम साइज़ के अंदर है, ट्राई ऑन में देख लो किस तरीके की लग रही है। छोटी छोटी ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर इसके ऊपर जो है बूटियाँ बनी हुई हैं। अगेन 38 साइज़ है ये। ये इसकी कुर्ती है, इसका बॉटम जो है ना, अब इसके बॉटम में एक प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ। वैसे तो मैंने ये 38 साइज़ ऑर्डर किया है, लेकिन इसका बॉटम इतना छोटा आया है कि आई थिंक स्मॉल या एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का बॉटम है वो। अंदर इसके देखो 38 ही लिखा हुआ है, अंदर इसके 38 ही लिखा है, लेकिन बहुत छोटा है, मेरे को फिट ही नहीं हुआ। तो ट्राई ऑन में मैंने इसको ब्लैक पैंट्स अपने प्लाजो के साथ स्टाइल किया है। ये वाली प्लाजो तो मैं पहन ही नहीं पाई हूँ, तो इसको मैं एक्सचेंज करा के बड़ा लूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगी है ये। बड़ा ले लूँगी, एटलीस्ट पैंट तो आ जाएगी, कुर्ती को तो मैं यहाँ से ऑल्टर भी कर सकती हूँ तो काम चलेगा मेरा। इस तरीके का ये बॉटम है, अगेन ऑल ओवर सूट है ये। इस इतनी इसकी चौड़ी नीचे से, मतलब यही है कि अगर आपको अच्छा लगा ना तो अब चले जाना साइज़ पे, क्योंकि इसकी बॉटम बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे नहीं फिट हुई है। बाकी मैं देखती हूँ, अगर साइज़ नहीं हुआ तो फिर मैं तो इसको रिटर्न ही करूँगी, मेरे पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अदरवाइज़ ये मुझे बहुत सुंदर लगा है कुर्ता, मैं हाईली इम्प्रेस्ड हूँ इसकी क्वालिटी से। बाकी पैंट्स में प्रॉब्लम है वो तो देखी जाएगी, लेकिन फैब्रिक बहुत प्यारा है इसका, बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था पहना हुआ ना। मुझे ये ब्लैक के साथ भी अच्छा लग रहा था, मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं इसको रख लूँ, लेकिन अगेन पैंट्स ही नहीं आएंगी तो मैं क्या करूँगी इसका, ब्लैक के साथ कब तक पहनती रहूँगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। लास्ट एंड फाइनल सूट सेट जो है ना, अगेन मुझे अच्छा लगा है, वो फैब्रिक अच्छा है उसका काफ़ी। उसका जो डिज़ाइन है, इस तरीके का डिज़ाइन है, राउंड नेक है, आगे इसके टैसल्स दे रखी हैं बांधने के लिए, 3/4 स्लीव्स है, ऑल ओवर पूरा प्रिंट ही है, कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइन नहीं है। प्रिंट इसका अच्छा, लेकिन कलर से वो कितने वाइब्रेंट है, फिरोजी कलर है, डार्क ब्लू कलर है, नियॉन ग्रीन कलर है, प्यारा प्यारा ऐसे आके गैदरिंग दे रखी है पीछे भी और आगे भी। ए लाइन के अंदर है, घेरा ज़्यादा नहीं है, ए लाइन के अंदर है। मुझे नी लेंथ से नीचे आ रहा था, काफ लेंथ नहीं है, ली लेंथ तक आ रहा था। फैब्रिक इसका है रेयॉन प्लस कॉटन, अगेन गुड क्वालिटी वाला रेयॉन। बुरा होता ना तो मैं खुद ही अब तक ट्राई ऑन भी नहीं करती, मैं पहले ही रिटर्न करके कुछ और मंगवा लेती उसकी जगह। फैब्रिक इसका अच्छा है तो आप ले सकते हैं, गर्मियों में ठंडा रहता है बहुत ज़्यादा। ये इसकी कुर्ती है, इसका बॉटम जो है सिंपल है, वाइट कलर के अंदर फुल्ली इलास्टिकेटेड प्लाजो पैंट्स हैं, प्लाजो है, नीचे इतना खुला है ये, अगेन वाइट है तो थोड़ा सी थ्रू है, मैनेजेबल आपके लिए है तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, मुझे इसका फैब्रिक अच्छा लगा। तो यस, ये थे सारे प्रोडक्ट्स, आई होप उसको सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हों और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है dressup.preet। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, बहुत ही जल्द हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ, बाय बाय।